ताली है लेकिन यार आज मतलब मजा आ गया, आपने दिल जीत लिया, ताली बजाओ यार, कम ऑन कम ऑन, क्या चले आपने, आपने आज दिल जीत लिया है बिकॉज इन द सेंस के मैं बार बार गुस्सा इसीलिए कर रहा था कि हमारा मैच खराब मत करो ना, और बाबर ताली तो ढंग से बजा ले तो मरे हाल में, इसको फेल दिया पाकिस्तान, ये बेचारा आज खत्म हो चुका है, बेचारे के आत्मा रो रही है, अरे खत्म नहीं भाई, मैं कुछ और देख रहा था, मैं कुछ और देख रहा था, कुछ भी हो जाए कुछ भी, लेकिन सैटरडे को इनसे हारना नहीं है, क्योंकि आज गेम देख के लग रहा है ना कि ये कर सकते हैं कुछ, आज भी करके आए कुछ भाई, इनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 300, कल मैं और तुमने 350 हलवा चेस किया है डिस्पाइट द फैक्ट के बाबर आजम आउट हो गया, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई भाई, पाकिस्तान ने फाइट बैक किया और क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है, इसमें कहीं पे भी जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान होती है ना, हम अनप्रिडिक्टेबल है जी, हम तो जी गिरते पड़ते आ जाते जी, नो It was a fantastic performance from Rizwan. Outstanding from Rizwan. Outstanding from Abdullah Shafiq. Sri Lanka, jo marzi bolo bhai, Asia Cup mein runner up to Sri Lanka thi na, tumhe hara ke aa rahi thi. To World Cup mein aake apna record bhi intact rakha. Ki abhi itne maade din nahi aaye ki hum Sri Lanka se haar jaye World Cup mein. Acha kara. Thank you. It's a thank. It's a big relief. Excited over the moon. So it will be an amazing contest now. India versus Pakistan. हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का चांस है, लेकिन कम से कम फाइट तगड़ी होगी, मैच देखने में मजा आएगा, इनके बॉलर आएंगे, शाहीन शाह अफरीदी जो भागते हुए स्पिनर बन गए आजकल, 126, 132, 130 पता नहीं क्या हो गया उनको, टेंसिया हमारा भाई वो भी आएंगे, जान लगाएंगे, फिर हमारे हसन अली है वो पुराने बदले लेने आएंगे 2019 के, वो भी देखा जाएगा, शादाब है, उसाम वीर को खिला लोगे और अच्छा हो जाएगा, इफ्तिकार है और बैटिंग तो है ही है, तो पांडे जी मजा आया आज, पाकिस्तान अल्टीमेटली चेयर, और आपने बोला था कि बहुत क्लोज जाएगा, क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं, इजी जीते, इजी जीते, और यही काफी स्ट्रेंज भी लगा, मतलब आप देखो 345 रन चेस करना हो, उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतना वन साइडेड जीतेगा, और यही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देकर जाएगा इस टीम को, क्योंकि इससे पहले जब भी 280 या 300 से ऊपर का टारगेट जाता था पाकिस्तान से चेस नहीं होता था, या तो होता भी था तो बहुत फसफसा, ताली है लेकिन यार आज मतलब मजा आ गया, आपने दिल जीत लिया, ताली बजाओ यार, कम ऑन कम ऑन, क्या चले आपने, आपने आज दिल जीत लिया है बिकॉज इन द सेंस के मैं बार बार गुस्सा इसीलिए कर रहा था कि हमारा मैच खराब मत करो, अगर तुम नेदरलैंड के साथ ये हाल करवाओगे, श्रीलंका के साथ ऐसा करोगे, तो भाई इंडिया पाकिस्तान फिर क्या चाम रह जाएगा, सो नाउ दे हैव अ जेन्युइन चांस, ये तो कोई नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान का चांस नहीं इंडिया के अगेंस्ट, अगर आपके पास शाहिद शाह अफरीदी है, अभी बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, हार्सरॉफ नहीं कर रहा, बट ऑन अ गिवन डे दे कैन परफॉर्म, पहले भी परफॉर्म किया हुआ है ना, तो साथ में आपका सपोर्ट सिस्टम में शादाब है राइट, एंड रिजवान एंड बाबर, बाबर को रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन बाबर एक कंसर्न बनता जा रहा है, बाबर और ओपनर आज देखो एक कंसर्न तो दूर हुआ है, अब्दुल्ला शफीक जो ओपनिंग में इनको पार्टनर, अगर आप सोचो ना फकर होते, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रन नहीं बना सकते थे, लेकिन जो फॉर्म लग रही थी उससे प्रेडिक्ट कर सकते कि फकर भी शायद आउट हो जाता आज भी, तो और प्रेशर आ जाता, फिर रिजवान और शकील को ये करना पड़ता, लेकिन आज अब्दुल्ला शफीक क्योंकि थे यहाँ पर और फकर नहीं थे, शायद वो एक इनके लिए ये हो गया कि चलो हाँ अब हमारे को एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि फकर बाहर हो गया तो ये अच्छा काम किया हमने, वरना आज भी यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जो है वो फेल हो जाते फिर तो वही घूम के बात आ जाती ना कि यार फकर भी फ्लॉप, शफीक भी फ्लॉप, इमाम भी फ्लॉप, आज आपने जो किया है ना, मैं यही चाह रहा था, यही रिएक्शन है, अब विराट सलोखा क्या बोल रहे हैं इंडिया से, बोल रहे हैं इनको मोमेंटम दे दिया श्रीलंका ने, कुछ भी हो जाए कुछ भी, लेकिन सैटरडे को इनसे हारना नहीं है भाई, यही चाहिए था, अरे नहीं हारेंगे यार, अरे उनको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, हमेशा साथ छोड़ दे, लेकिन ये जो इमोशन है ना, और दे दे के ये क्यों इमोशन है, क्योंकि आप अब्दुल शफीक को देख के लग रहा है 103 बॉल पे 113 आज भी करके आया है, वैसे बाय द वे आउट भी हुआ, किसी ने कैच नहीं किया था, गेंद फंसी गई, जबरदस्त कैच और चौका, लेकिन गेंद स्पेसिंग में ही फिनिश, पाकिस्तान की है यूट्यूबर से तीन छक्के, उन्होंने बोला देखो सुशांत ने तीन छक्का बना दिया, फिर हमारे ग्राउंड पे बारी बारी ना, दे दूंगा मुझे बड़ा दुनिया किस तरीके से जाएगी, लेकिन सर पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई भाई, रिजवान के लिए फाइट बैक किया और क्लिनिकल परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट थी, इसमें कहीं के लिए ट्रेडिशनल काफी करते हैं, हार्डवर्क अनप्रेडिक्टेबल है जी, मैं तो अपनी आंखों से
और लेकिन बिटवीन कॉन्फिडेंस बट नाउ इज द श्रीलंका जो पूरी बैटिंग हो गई, सारे बंदे चले गए, बॉलर भी चले गए, बॉल नीचे पिच पे रखे मारी जा रहा है, उसके बाद वो भी खत्म हो गया, एक बंदे को बोला वाला बॉल फेंक फिर कीपिंग कर रहा है, तो 50 ओवर कीपिंग करने के बाद चेज में 38 पे 2 के बाद जब बाबर भी आउट हो गया तब आने के बाद 121 बॉल पे 134 नॉट आउट बनाना और 9 चौके 3 छक्के 110 की स्ट्राइक रेट भी है, मतलब कहीं पे भी चांस पे नहीं छोड़ा कि हम हार जाए, हार जाए उस वाली चांस पे नहीं छोड़ा, मारता रहा रेगुलर इंटरवल से मारता रहा, सिंगल डबल भी करता रहा और पूरा का पूरा डोमिनेट किया, किसी भी बॉलर को सेटल नहीं होने दिया। शनाका की कप्तानी भी फिटे हुआ है वैसे बाय द वे, आज पथिराना पता नहीं क्या किया उसने आज, मुझे नहीं समझ में आई, दे वाइड के चौके दे इधर के, मेरे ख्याल 30 रन तो वाइड के दे दिए श्रीलंका ने और 30 रन वैसे ही शॉर्ट थे। तो एक्सीलेंट पार्टनरशिप बिटवीन रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक, बट नाउ इज द टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नाउ इज द टाइम फॉर बाबर आजम, नाउ इज द टाइम फॉर रोहित शर्मा। देखो भैया दोनों कप्तानों को खड़ा होना पड़ेगा, ना रोहित ने रन बनाए पहले मैच में डक पे आउट हो गए, ना बाबर ने रन बनाए, और अगर आप याद करो हमारे लिए भी सबसे बड़ा विराट कोहली की इनिंग बेहतरीन थी, केएल राहुल की सेंचुरी बेहतरीन थी, इंडिया पाकिस्तान गेम एशिया की बात करो एशिया कप की, बट जो मोमेंटम रोहित शर्मा ने शुभमन गिल ने दिया था ना आपको, वो बड़ा तगड़ा आया था। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपके लिए उनके लिए नसीम शाह नहीं है, आपके लिए शुभमन गिल नहीं है, दो टॉप प्लेयर्स, आपका नंबर वन बैटर इस टाइम पे चल रहा है शुभमन गिल, उनका नंबर वन बॉलर मेरे हिसाब से जो मैं बोलता हूं कि वर्ल्ड में नंबर वन बन सकता था वो लड़का, पता नहीं कैसे हैंडल किया, नसीम शाह, दोनों बाहर है। सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ईशान किशन एंड रोहित शर्मा प्लस वहां से आगे आपके शाहीन हारिस हसन अली, भाई हसन अली तो आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहा है और उसको 4 विकेट भी मिल गई आज, तो मोमेंटम पाकिस्तान ने पकड़ा है, कीपर बैटर्स को अपने इतना क्रिटिसाइज किया है लेकिन दोनों ने धमाकेदार परफॉर्म किया है राहुल एंड रिजवान। नहीं भाई सही बात है, तालियां भाई, नहीं स्पेशली आप ये देखो ना, और बाबर ताली तो ढंग से बजा लेते तो मरे हाल में, इसको पेल दिया पाकिस्तान, ये बेचारा आज खत्म हो चुका है, बेचारे के आत्मा रो रही है, अरे खत्म नहीं भाई, मैं कुछ और देख रहा था, मैं बाबर आजम का स्टेटमेंट निकलवा रहा था, नहीं तो ओवरऑल रघु बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैंने रिजवान को बिल्कुल क्रिटिसाइज करा, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी भाई इससे कि वनडे में भी इतना अच्छा कर जाएगा, बट ही वॉज आउटस्टैंडिंग टुडे, नहीं उम्मीद नहीं थी रिजवान से यार। सबसे बड़ी बात पता क्या है, जेकेएल है तुम्हारे खुद के ऊपर, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिला रहे थे टाइम से, कहा वो इमामुल हक यार, वो नहीं है भाई बंदा, नहीं है वो।